So students, this is your next topic, Khelo India program, and this is your last topic, Khelo India program, in this first unit. So I think आप लोगों ने सुना होगा Khelo India program जो start हुआ है through the government of India. So ये कब start हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है, किस लिए स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टार्ट करवाया गया है ताकि हम अपने खेल को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें. आपने देखा होगा कि इंडिया में मोस्टली पीपल क्रिकेट को लाइक करते हैं या फिर फुटबॉल को लाइक करते हैं. हमारा नेशनल गेम जो है वो हॉकी बोला जाता है, बट आई थिंक पीपल उसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितने के ज़्यादा क्रिकेट में है. तो गवर्नमेंट सिर्फ यही चाहता है, वो सिर्फ यही चीज़ें कुछ चीज़ें सोच के उसने ये खेलो इंडिया का प्रोग्राम करवाया था. वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही या फुटबॉल ही या फिर कबड्डी ही नई गेम जो है आगे प्रोसीड हो. वो चाहता है कि जितने भी गेम हैं हमारे हमारी कंट्री में या फिर हम ओवरऑल वर्ल्ड में हमारी जो कंट्री है वो सारे के सारे गेम में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करे जिस तरीके से वो क्रिकेट में करती है या जिस तरीके से उसको क्यूरियोसिटी होती है क्रिकेट को लेके या फुटबॉल को लेके, उसी तरीके से उसे जो है अदर्स गेम को भी लेके हो. तो इसलिए उसने क्या करवाया, गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एक ऐसी योजना बना देते हैं यूथ जनरेशन के लिए कि वो उसमें हर गेम को पार्टिसिपेट करे, उसमें वो हर गेम को पार्टिसिपेट करे, अपना परफॉर्मेंस दिखाए. जिस तरीके से वो क्रिकेट को लेके उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उसी तरीके से वो कबड्डी, बास्केटबॉल और खो खो, है ना, बहुत सारे जो गेम्स हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वो सारे गेम्स को लेके वो उसी तरीके से ही अपने आप को आगे करे, अपने खुद को उस गेम में भी प्रेजेंट करें. एथलेटिक्स ले लो या कुछ भी ले लो. सो इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सिर्फ वो यही चाहती है कि वो सिर्फ एक ही गेम पे या दो ही गेम पे फोकस ना करे, वो ओवरऑल चीज़ों पे फोकस करे, उसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करे. एंड द सेकंड थिंग इज़ उसने क्यों ये स्टार्ट करवाया. स्टूडेंट्स, जो हमारा गेम है, जो पहले के जो लोग हैं वो यही सोचते थे कि गेम में कुछ नहीं है, सिर्फ इंजॉयमेंट है, ये है, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि देयर हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. अगर आप एक प्लेयर नहीं बन सकते हो, सो देयर हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. आप के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बनने के लिए, लेकिन आपके पास उसके वो सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो. सो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यही चाहती है कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं या फिर उनके पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती है कि वो खुद को आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर सकें. आपने देखा होगा कि गेम में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, सो उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो अपने आप को आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर सकें या फिर कुछ भी परफॉर्म कर सकें. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये भी रोल जाता है कि वो ये भी सोचती है कि जितने भी लोग हैं, वो कुछ कोई भी लोग हो जिनके पास इनकम है या फिर जिसके पास नहीं है, वो सारे लोग इस खेलो इंडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और अपना जो उनके पास जो उनकी कैपेसिटी है वो अपने आप अपना परफॉर्मेंस दें और अपना सिलेक्शन करवाएं. ओके, एंड द थर्ड वन इज़, आपने देखा होगा जो पहले के लोग हैं वो यही सोचते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये बेकार है, बट नहीं, अब वो सारी चीज़ें रॉन्ग प्रूफ होती जा रही है, वो सारी चीज़ें गलत प्रूफ होती जाती है. लोग अब अपने आप को बढ़ चढ़ के इस चीज़ में प्रोग्राम अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक प्लेयर है वो अपनी कंट्री का नाम, अपना नाम रोशन कर सकता है, वो कोई और फील्ड नहीं है. चाहे कितने भी पैसे आप कमा लो, आपकी जितनी भी इनकम हो, लेकिन आप अपने कंट्री को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इतना ज़्यादा पॉपुलर फेमस नहीं हो सकते हो. सिर्फ यही एक फील्ड है जहाँ पर आप ऑप्शन कर सकते हो. और द नेक्स्ट वन इज़ वॉट, कि जो हमारी गवर्नमेंट है, आपने देखा होगा कि जो पहले के प्लेयर होते थे वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते थे, वो सिर्फ खेलने में ही फोकस कर पाते थे, वो अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पाते थे. तो उन्होंने क्या सोचा कि
बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए कि वो दिन भर से पढ़ते रहते हैं तो उन्हें एक ऐसा भी ऑफ़र या फिर ऐसा भी कुछ करवाया जाए जिससे वो अपने आप को एंटरटेन कर सके, अपने आप को फ्रेश फील कर सके। सो आपने पहले तो देखा होगा जो भी प्लेयर खेलते हैं वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते थे या इतने ज़्यादा वो स्टडी में स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे, सिर्फ वो गेम खेलते थे। बट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी है वो बस यही चाहती है कि पहले की तरह ना हो, जैसे अब वो चाहती है कि वो पढ़ाई में भी उतने ही स्ट्रांग हो जितने वो खेल में स्ट्रांग है। तो आपने देखा होगा कि अब जो आने वाले प्लेयर्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा विराट कोहली है या फिर और भी, आपने उनको देखा होगा कि वो उनकी स्टडी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अब के टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है। तो अब वो सिर्फ यही चाहती है कि बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल को भी आगे बढ़ाएं और उन्हें अपनी स्टडी को लेके भी नॉलेज हो। आपने देखा होगा कि लोग जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनकी उनकी वो अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर वो स्टडी में अच्छे ही नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ यही चाहती है कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो है अपने स्टडी के साथ साथ अपने गेम को भी उसी लेवल तक लेके जाए अपने, या फिर अपने गेम के साथ साथ अपनी स्टडी पर भी वो फोकस कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, खेलो इंडिया स्टार्ट कब से हुआ था आपको मैंने बता दिया, ये किस लिए स्टार्ट करवाया गया, आप लोगों को अवेयर कराने के लिए, लोगों को प्रमोट करने के लिए, सारे गेम्स के लिए उन्हें इनकरेजेस करने के लिए कि सारे गेम में आप पार्टिसिपेट करो, राइट। सो ये कब से स्टार्ट करवाया गया, किसके थ्रू स्टार्ट करवाया गया। सो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट थिंग इज जो भी हमारा खेलो इंडिया प्रोग्राम हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 2018 में स्टार्ट हुआ है। और कहाँ पे ये हुआ था, सबसे फर्स्ट ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था दिल्ली में 2018 में। और कब करवाया गया था, ये 31 जैन से ये स्टार्ट हुआ था, 31 जैन 2018 इन दिल्ली में ये सबसे पहला खेलो इंडिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया था। और इसमें कितने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाए गए थे स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन्स, तो 17 डिसिप्लिन्स जो हैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करवाए गए थे, 17 टाइप्स के इवेंट्स जो हैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करवाए गए थे 2018 में। एंड द नेक्स्ट वन 2018 में पहला हुआ था, 2019 में सेकंड खेलो इंडिया हुआ था। और सेकंड खेलो इंडिया कहां पर हुआ था, सेकंड खेलो इंडिया हुआ था आपका पुणे में। एंड द फोर्थ 2020 में हुआ था गुवाहाटी में हुआ था असम। ओके, सो फर्स्ट वन कहाँ पे हुआ था, आपका दिल्ली में हुआ था, दूसरा आपका कहाँ पे हुआ था, पुणे में, एंड तीसरा आपका कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में। और ये कब स्टार्ट करवाया गया है, इन 2018 में, जिसमें सबसे जिसमें कितने इवेंट्स थे, 17 इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। ओके, और ये किसके थ्रू स्टार्ट करवाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इसको खेलो इंडिया को किसने ऑर्गेनाइज करवाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब स्टार्ट करवाया था, इन 2018 में, उसमें कितने इवेंट्स थे, 17 इवेंट्स थे, जिसको 17 डिसिप्लिन बोले जाते हैं। और सेकंड कब हुआ था, 2018 में पुणे में, एंड द थर्ड वन इज 2020 में हुआ था इन गुवाहाटी जो असम में है, ठीक है। और इसको देखने वाला कौन है, इसको ओवरऑल देखने वाला कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसको पूरा का पूरा देखता कौन सी कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। स्टूडेंट्स, ये थी क्या थी, खेलो इंडिया प्रोग्राम के कब ये शुरू हुआ, किस लिए ये शुरू करवाया गया, और किसने इसे शुरू करवाया, और इसे कौन देखता है, किसके अंडर में ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी इस वीडियो में।